श्रीकाल जी, मैं किरणदीप कौर थोड़ा स्वास्थ्य पैरा टीम में स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने तो पहला एक नज़र हेडलाइन से। सरकारी मिडल स्कूल स्मार्ट देवना मिलिया मान, स्कूल की दिख अध्यापकों की मेहनत लियाई रंग। सिक्ख्या मंत्री दे वालों स्कूल 5 लाख रुपए का दिता इनाम। हल्का शतराणे दे विच मोहरी बनया स्कूल। हुण खबरों विस्तार दे नाल। पंजाब सरकार दे वालों स्कूल की नुहार बदलने के लिए समार्ट स्कूल बनाने के उपराले तो बाद स्कूल अध्यापक भी इसनू होर बुलंदियों ते लैके जाने विच अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसकी मिसाल सरकारी स्मार्ट मिडल स्कूल देवना की शानदार इमारत और स्कूल अध्यापकों के वालों स्कूल विच कीते प्रबंधा को देखने को मिली। इस स्कूल के मुख्य गेट तो लैके स्कूल अंदर की चित्रकारी दी तस्वीरां और पंजाबी अक्षरों के लिखे स्लोगन इस स्कूल की कारगुजारी अपनी मूहों बयान करती नजर आ रही है। भावें लॉकडाउन के कारण स्कूल विच विद्यार्थी नहीं आ रहे, परंतु स्कूल अध्यापक दे वल्लों स्कूल विच होर निखार लियाउण दे यतन जारी हन। असी पहुंचे सरकारी स्मार्ट मिडल स्कूल दिदना जी, 5 लाख रुपए का इनाम सिक्ख्या मंत्री वालों दिता गया। असी गल कर जा रहे हैं मुख्य अध्यापक अवतार सिंह नाल। की कहना भी की कारण है जिहड़ा स्कूल का जिहड़ा 5 लाख रुपया सरकार ने दिता, की खूबियां ये देखने को मिली? सिंह जी, तुहाडा जिहड़ा स्कूल है 5 लाख का इनाम जिहड़ा जितते इन्होंने, की कारण मानते हो, की खूबियां इहदे चाहीदियां स्कूल दे विच? असल दे विच ये है जी कि सरकारी स्कूल सारे ने, लेकिन जिहड़ा सरकारी स्कूलों के विचों ही उत्तम स्कूल चुनना यह बहुत औखा काम सी। अज कल जिहड़ा सिक्ख्या का प्रसार हो रहा है, सारे स्कूल बहुत वधिया मेहनत कर रहे हैं, पर साढ़े दे विच विशेष गल ये सी कि साढ़ा जिहड़ा इत्थे स्टाफ है बहुत मेहनती आ, ते जिहड़ा ग्राम पंचायत वालों पिंड वालों सानूं बहुत सहयोग मिलिया, इस करके असीं जिहड़ा बच्चों के सर्वपक्षी विकास लिए असीं जिहड़ा स्कूल का हर पक्ष विकसित किया। साढ़े बच्चे ने जिहड़े पिछले 5 साल का जिहड़ा साडा नतीजा 7% रहा, 100% कोई भी बच्चा साडा फेल नहीं होया, ते जिहड़ा साडे बच्चे ने वो एक्सट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ विच खेडां दे विच उहदे विच भी एक्सेल किया। उन्होंने ब्लॉक लैवल तक, जिले लैवल तक पोजिशन लईआं ने। पिछले साल के ही साडा बच्चा सी, उन्हें स्कॉलरशिप जीती है पटियाले जिले के, उन्हें पहला स्थान हासिल किया। साडा जिहड़ा समूह स्टाफ ने बहुत मेहनत की इस चीज़ के उत्ते कि जिहड़ा साडा प्रबंध है प्राइवेट दे नालों भी असीं जिहड़ा वधिया बनाया होया, जिहड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उरे वो तुसीं देख ही रहे हो कि स्कूल की जिहड़ी दिख है, स्कूल के साफ सफाई कमरे के, हर कमरे के स्मार्ट LED लगी हुई है, वाईफाई कैंपस है, असीं जिहड़ा बच्चों जिहड़ी सिक्ख्या दे रहे हैं वो इंटरनेट अनेबल्ड है। तो यह सारिया जो सारे पक्षों नूं विचारदे होए सरकार असीं धन्नवादी हाँ कि सरकार ने जिहड़ा साडे स्कूल नूं 5 लाख का पुरस्कार दिता, तो असीं इस नूं होर अगे लैके जावांगे, इस नूं होर वधिया बना के। की लगता जिहड़े तुसीं स्लोगन कंधा ते जां चित्रकारी कीती है कि बच्चों ते बहुत बड़ा प्रभाव पैंदा इहनां नाल? बिल्कुल जी, देखो कोई भी चीज़ हैगी है जदों असीं उहनूं बार बार सामने देखदे हाँ साडे ते स्ट्राइक करदी है, वो चीज़ साडे दिमाग दे उत्ते असर जरूर करदी है। जदों बच्चे इहनां नूं लिखियां होईयां चीज़ां नूं देखदे ने, इबारत है पहला तो सोहणी जिहड़ा देखिया उहदा प्रभाव भी बच्चों ते पैंदा है,
दूसरा वो प्रेरित होंगे ने इस चीज़ के लिए कि जेडे स्लोगन आप लिखे हुए हैं जो कंटेंट इतने लिखा हुआ है उस विषय न रिलेटड भी होंगे विषय ना संबंधित जो चीज़ा होंदिया ने सीखते हैं बार बार देखते हैं लंघते हैं उतों आते हैं दीवारों के उत्ते लिखा हुआ है अंदर जाते हैं क्लासरूम के लिखा हुआ है अध्यापक उन्होंने बार बार वो चीज़ पढ़ाते हैं तो वह असर है जोड़ा इफेक्ट जरूर नजर आता मतलब किताबा किताबी ज्ञान नालों ज़्यादा ज्ञान जो है हाँ जितने कहता ज़्यादा बच्चों ने नहीं देखो किताबा का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व है असं उसको अणगौलिया नहीं कर सकते पर किताबा तो सारे बच्चे पढ़ते हैं सारे स्कूलों के पढ़ते हैं जो असं उन्होंने किताबों तो हट के कुछ अगे दीज़ा भी सिखावे असं उन्होंने जी सीखी है जो क्योंकि अब विश्व पद्धर से सीखी है जी हो चुकी है प्राइवेट स्कूल बहुत मेहनत करवा के कंपीट कर रहे हैं तो असी सरकारी स्कूल होने के नाते साडा ये फर्ज सीगा कि असी उस मिथ नूं तोड़िए कि ब सरकारी स्कूल ही वधिया पढ़ा सकते हैं असी साडे समूह स्टाफ ने मेहनत करके कोशिश की कि असी जिहड़ा ओह लैके गए उस पद्धर ते कि जिथे जाके हुण लोक ये गल कहिंदे आ कि प्राइवेट स्कूल दे विचों हट के बच्चे इस साल तकरीबन 50 बच्चे ने जिहड़े प्राइवेट स्कूलों दे विचों हट के ओह बहुत जिन्हां नूं असी नामी स्कूल गिणदे आ उन्हां तों हट के ओह इस स्कूल दे विच दाखल करवा रहे ने ओह सारे स्टाफ दी मेहनत ग्राम पंचायत दे सहयोग उस दा नतीजा कि अज्ज असी इस पद्धर ते पहुंच सके की लगदा होर स्कूलों नूं सीधे लैण दी लोड़ हैगी इस तरह जे उपराले करन स्कूल वधिया अपनी दिख पेश कर सकते नहीं देखो सरकार हर संभव यतन कर रही है तो लेकिन जिहड़ियां सरकारी चीज़ां ने उन्हां नूं असीं गिणदे असीं चाहुंदे हां कि सरकार सानूं हर सहूलतां देवे तो साडे भी कुछ फर्ज बणदे ने जे असीं उन्हां फर्जां नूं पहचान दे अपनी ड्यूटियां इमानदारी नाल करांगे तो जरूर जिहड़े इदां दे नतीजे ने कोई भी स्कूल है जिहड़ा साडे तों भी वधिया नतीजे प्राप्त कर सकदा है असीं इक कोशिश कर रहे हां साडी एफर्ट असीं नहीं मंनदे कि असीं हले 100% कामयाब होए हां साडा इह इक हले शुरुआत है असीं इहनूं होर उपरले लैवल तक लैके जाणा ते बाकी स्कूल भी जे इस तरह इक नाल करनगे तो उस तों भी अगे लैके जाण बच्चे ने की स्ट्रेंथ हैगी इत्थे बच्चे पढ़ने वास्ते किस तरह साडे कोल मतलब जदों असीं शुरू कीता सीगा उस टाइम हुण जिहड़ा अंग्रेजी माध्यम शुरू कीता सी साडी जिहड़ी सब तों दिक्कत हैगी सीगी हुण प्राइवेट स्कूलों दे विच की हुंदा सी कि अंग्रेजी माध्यम दे बच्चे सीगे इस समय साडे कोल जिहड़े अंग्रेजी माध्यम दे बच्चे ने जिहदे विच कुड़ियां खास तौर ते जिन्हां दा विशेष स्थान है प्राइवेट स्कूलों चों वी ओह हट के आए ने ते सरकारी वाले भी बच्चों नूं असीं जिहड़ा 2 साल तों अंग्रेजी माध्यम दी सिक्ख्या दे रहे हां साडे कोल 150 बच्चे ने जिहड़े सिर्फ 3 क्लासां दे लई जे साडे कोल हाई स्कूल दा सानूं मतलब आग्या दित्ती जावे परमिशन दित्ती जावे तां इह स्ट्रेंथ आ जिहड़ी 500 तक जा सकदी है असीं डिमांड करदे हां कि जिहड़ा साडे मतलब असी सानू कोई स्टाफ नहीं चाहिए होर ज़्यादा असी जिन्ना स्टाफ हैगा असी इन्ने स्टाफ नाल ही काम करन नूं तैयार हाँ साढ़े कोई सानू कमरे नहीं चाहिए साढ़े कोल ग्राम पंचायत का बहुत सहयोग है कि असी कमरे अपने पद्धर से तैयार कर सकते हैं सानू सिर्फ जे परमिशन दिती जाती है हाई स्कूल स्टार्ट करन दी तां असी जिहड़ी स्ट्रेंथ है इहनूं 2 गुणा अगे लैके जावांगे ते जिहड़ा स्कूल का पद्धर है ते जिहड़ियां मतलब सरकारी स्कूलों दे विच असी इसनूं बेस्ट स्कूल हाई स्कूलों दे विच भी लैके आवांगे धन्यवाद जी थोड़ा तो यह श्री अवतार सिंह जी जिन्होंने दसा कि जी स्कूली दिख बनाने वास्ते सानू पिंड वालों का पंचायत का पूरा सहयोग मिले तो आने वाले समय के भी इन्हों का कहना कि जे स्कूल सरकार इनू अपग्रेड करके मैटर करती है तो असी स्कूल होर भी बुलंदे लैके जावे सानू स्टाफ के कमर की कोई जरूरत नहीं सानू सिर्फ सरकार की परमिशन की लड़ है सो सरकार भी चाहता है इस तरह के उपराले करने वाले स्कूल अपग्रेड करके मैट्रिक किया जाए तो जो जो बच्चे ने इतों सिक्ख्या प्राप्त कर सकन असी जानते हैं पिंड के सबका सरपंच पाला सिंह तो जिन्हों का की कहना भी स्कूल स्मार्ट बनाने के योगदान पाया पिंड वासियों का किस तरह का स्कूल है की लोड़ है इतने हाँ जी पाल सिंह जी तुहाडा स्वागत है तुसीं की कहना चाहते हो मैं सब तो पहला साड़ी पंजाब सरकार का तो सिंगला साहब का धन्यवाद करना जिन्हां ने साडे स्कूल नूं इस लायक समझिया इस नाम लई चुनिया जी उस तो बाद गल बिल्डिंग दी स्कूल दी वधिया मेहनती स्टाफ है वख वख सरपंच मौके ते स्कूल का साथ दिंदे रहे ये बिल्डिंग बनाउण च प्रायमरी तो बाद सन 60-61 च बापू जी सरपंच होंदे सी पहला साडी छोटी जी बिल्डिंग होंदी सी प्रायमरी दी उस तो स्कूल चालू होया उस तो बाद एक बड़ी बिल्डिंग उसारी भगत सिंह सपोर्ट क्लब ने उसारी उस तो बाद साडा काम चलता रहा वख वख पंचायतां आईयां उन्होंने भी 2-2 कमरे बनाए हुण वाले सरपंच ने भी वधिया साथ दिता तो वधिया काम कर रहे ने एक साडा दयानंद भारती जी है पिछे साडे डेरा उन्हें भी एक कमरे का सहयोग दिता इस स्कूल के विच वधिया स्टाफ है तो वधिया लोगों मिल के इत्थे काम हो रहा सरदार बयान सिंह की सरकार टाइम ये प्रायमरी तो 8वीं का स्कूल बनया सी उस तो बाद असी वख वख मौके ते असी बड़ा किया भी जे साडा ये 10वीं का हो जाए तो चंगी गल है हुण भी पिछे जी असी 2-3 महीने हो गए फैलां लाईआं सीआं हुण भी सानू कोई प्राप्ति नहीं हुई तो सब तो बड़ी गल तां सिंगला साहब कोलों व्यक्ति तौर पर
सिंगला साहब मैनू जानते भी ने चौधरी पाला राम के नाते व्यक्ति तौर पर सिंगला साहब न बेनती करते हैं भी ये सानू जिहड़ी हैगी है बिल्डिंग क्योंकि साढ़े कुड़ियां दी और मुंडियां दी गिणती बराबर है उस करके वख वख जांदे ने पटना या घग्गे जांदे ने सानू बसां दी भी दिक्कत हुंदी है अजकल जवाने का भी हिसाब है पिंडां च कुड़ियां पढ़ा के फिर उस तों बाद अगला कहिंदा भी बाहर जाणगियां व्यक्ति तौर पर मैं सिंगला साहब नू बेनती करना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह नू भी सब तो बड़ी जिथे सानू एडा बड़ा सन्मानित करिया भी सानू दसवीं के स्कूल बारे भी असं बहुत धन्यवाद करांगे सानू दसवीं के स्कूल बारे भी सन्मानित कर दे। पाला राम जी ये की खासियत लगी उन्होंने भी स्कूल के वधिया दिख की लगी तो किस तरह के दिखा गया स्कूल देखने तुम्हें की किया ये सब तो बड़ी गल है सफाई है इन्होंने जिहड़ी आ चित्रकारी अदा की है ये अज की लोड़ मुताबक रुखां दे हिसाब नाल ते सफाई दे हिसाब नाल इत्थे जिवें फर्नीचर है या जिवें अपने वो है लॉकटॉप ने जवाकां वास्ते कंप्यूटर सिस्टम ये मतलब सारिया चीज़ां नू देखते हुए तो देखा स्कूलों का हाल है दो ट्रालियां मिट्टी दी पाई हुंदी एक पासे पानी हुंदा एक पासे छप्पड़ हुंदा एक पासे है जी इत्थे बहुत वधिया मतलब मेहनत स्टाफ भी कर रहा वख वख टाइम ते पंचायत भी साथ दिंदी आई है ते आम पब्लिक भी इत्थे एक वारी दी गल है मैं सांझ केंद्र दा मैंबर हाँ थाने तो इत्थे असीं उह कीता फंक्शन किया वो मैं एक गल कह बैठा इतने भी एक एक बच्चे एक एक पेड़ा दे दो ते साल बाद आपां उहनूं नाम देवांगे मैनू मास्टर कहिंदा जी पेड़े दा पानी नाल हुंदे ने पेड़े इदां कोई महा जी पानी दा इंतजाम नहीं स्कूल च कहिंदे ना मैं पंचायत नाल सहयोग करके असीं शाम नूं पानी दा इंतजाम करके दिता उस पानी दी बदौलत नाल इह रुख भी हो गए ये सफाई है जिहड़ी ये भी होगी आ जिहड़ियां इट्टां लगियां ने लोक इट्टां लगियां ने कुछ नरेगा दी कुछ पंचायत ने साथ दिता वख वख कहण दा भाव है भी स्टाफ भी तो सरकार भी तो पंचायत भी असीं मिलजुल के इस हिसाब नाल चल रहे हैं जदों इन्हां नूं लोड हुंदी है सानूं बुला लैंदे ने लोड दे मुताबक असीं जदों भी जिन्ना कु भी साडे कोलों सहयोग हुंदा है असीं इन्हां दा साथ दिंदे हां। एक लगता जिहड़ी कंधा ते मीनाकारी कीती है चित्रकारी कीती हुई है जां पेंटिंग कीती हुई है लगता भी बच्चे नूं किताब चक्कण दी लोड़ नहीं है कंधा ते बहुत कुछ लिखा पिया है जिहड़ा बच्चे नूं लोड़ है पढ़ने वास्ते जिहड़ा बच्चा बहुत कुछ सीख सकदा जिवें बनाए ने अलग अलग माटो लिखे ने भी तुसीं इह कत्ते वजे इह पता की है बच्चा स्कूल के गेट तो बाहर निकल के सियात भुल जाता हो जो स्कूल के गेट के अंदर बढ़ता बच्चा आके ये चित्रकारी देखता मीनाकारी देखता वो सारा कुछ याद आ जाता है स्कूल के याद आ जाता भी साढ़े फर्ज की ने असी पढ़ना किमें है ये चित्रकारी किमें है रुखों के मुतलक किमें है किमें असी मतलब हवा हवाई की गल है किमें असी रुख कट के किमें रुख ला के पेडे ला के वो फिर ये चीज़ा देख के जिमें आप एक कोई अग मचती है अग न देख के आप पिछा हो जाते इनू आ चनावे एक कित वधिया चीज़ होंगी आप देख के फट याद आ जाती है ये जवाकों जिहड़ी ये चित्रकारी है इनू देख के हर चीज़ याद आ जाती है भी असी रुखा भी बचावे असी हवा हवा करा हर एक चीज़ याद आ जाती है इस करके बहुत लाभकारी है बहुत ज़्यादा क्योंकि कंप्यूटर पर पढ़ना अंग्रेजी बहुत देर लगेगी ये जिहड़ी सामने फोटो दिख रही एक बंदे दे सामने फोटो है सामने आप खड़े कहना भी ये पाला सिंह चौधरी है एक मेरी कल्ली फोटो हो मैं ना देखा हूँ मैं वो कहना होगा कोई ये मौके पर देखने नाल बहुत प्रभाव पैंदा मतलब कि लगता भी बच्चों नूं किताबां नालों ज़्यादा ज्ञान जिहड़ा हैगा ये बंदे जिहड़े कंधा ते चित्रकारी कीती है इहदा किताबां नालों ज़्यादा ज्ञान मैनू लगता भी इन्हां चो कंधा तों प्राप्त हो रहा बच्चे इहदे चो बोझ घटदा एक तो सब तो बड़ी गल है प्राइवेट स्कूलों च तीन साल के बच्चे तो घट्टो घट्ट 6 किलो वजन होंदा है वो देख लो भी किन्ना कु बच्चा थोड़े जे दिनों च कोई अखां तो हो जाता कोई कुब्बा हो जाता कोई मतलब इहदा खून घट गया इत्थे जिहड़ा हैगा कि सब तो बड़ी गल है सरकार की भी जिहड़ा किताबां दा बोझ घटाया इस चीज़ नूं देख के बहुत बोझ घटिया क्योंकि ज्ञान है साढ़े की सी महापुरश की सी साढ़े क्रांतिकारी की सी भगत सिंह होर की सी साडा इस सारा आके सानूं ज्ञान आ जाता है इस समय की लोड़ हैगी है जिवें अज्ज लोगों नूं करन दी जां होर स्कूलों दे प्रबंध जिवें अपना पहला स्कूल मतलब देदा स्कूल आया जिले पटियाले च कि होर स्कूलों नूं इस तों सीध लैण दी लोड़ हैगी देखो मेरी एक गल है भी साढ़े तीन चीज़ां ने सब तो बड़ा साडा हैगा स्कूल शिक्षा उस तों बाद साडा मैडिकल सिस्टम है मेडिकल सिस्टम भी साडा जिहड़ा हैगा लोकां मुताबक मैं तो यह गल कहूँगा भी अजे ओना नहीं है साडे कोले एजुकेशन भी साडी जिवें क्योंकि प्राइवेट स्कूल कैनी कैनी फीसां लैंदे ने कि साडे इत्थे मास्टर शिक्षित नहीं होंदे वो भी शिक्षा लेके आते हैं सरकारी मानता नाल होंदे ने कि वो ओना पढ़ा नहीं सकते असी एक गल है भी सानू सरकारां नू साडे लोकां नू एक चीज़ चाहिए है जिवें असी मंदर गुरद्वारे च असी करोड़ां रुपया ला दें है जी भी सानू ये दो चीज़ा कनी भी उन्नी ध्यान देना चाहिए ना कि मैं धार्मिक की गल नहीं कर रहा खिलाफ़ नहीं बोल रहा भी सानू दो चीज़ों सब तो बड़े मैं तो यह गल कहूँगा भी सब तो बड़ा धर्म जिहड़ा हैगा साडी शिक्षा
की लगता थोनू इस स्कूल दे विच होर जिवें स्टाफ दी ला लो जां कोई होर जिहड़ी कमी लगदी है सरकार तों मंग करदे कि इहनूं अपग्रेड करन दी लोड़ हैगी की कहना चाहुंदे? देखो सब तों साडी कमी मैं पहलां वी कह के हटिया, मैं सिंगला साहब नूं मतलब परसनल बेनती करके हटिया सरकार नूं वी सानूं जे दसवीं दा स्कूल मिल जाए ना इह जिहड़ा साडा मान सानूं सन्मानित करिया इह उह तों वी बड़ी गल होगी साडी, क्योंकि जिहड़ियां हैगियां धी बेटियां दा अजकल पढ़ना, इक पासे कहिंदे वी असीं पढ़ाओ तियां नूं पढ़ाओ तियां नूं, एक पासे साडे कोल सिस्टम नहीं है पढ़ाउण दा है नी, ते उत्थे आ के कमी आउंदी आ। एक पासे आपां कहिंदे आ वी इलाज है कार्ड देते सानूं बना के फ्री इलाज होऊगा उह होऊगा, एक पासे सानूं जा के हस्पतालां च उह सहूलत नहीं मिलती। असीं कहिंदे आ वी बार ते सहूलत मिले, हुण कुड़ियां आ दसवीं तों बाद तां मैं एक गल कहूँगा वी साडी 1-2% ने जिहड़ी कॉलेज च जांदियां होणगियां, अग्गे तक के जांदियां ने, जे इत्थे दसवीं कर ली फिर अग्गे कुड़ियां आपणे आप वी बच्चे लग जांदे ने कहण वी असीं तां जावांगे जी। ते इक सानूं बस दी बहुत दिक्कत है, ते जे दसवीं दा स्कूल हो जाए साडी दिक्कत बहुत दूर हो जाए। मैं पूर मंग करदा जिवें कह करते भी इस पिछे हथ बन के बेनती करदा साडी सरकार कोले सिंगला साहब कोले भी जे सानूं दसवीं दा स्कूल दिया जाए साडी बहुत बड़ी ओह हो जूगी, साडा आसान हो जूगा बहुत बड़ा देदना ते। धन्यवाद जी। हाँ जी, ये सन चौधरी पाला राम देदना ज जिन्होंने दस्या कि स्कूल का जिहड़ा भविख है पहला की सी ते हुण भविख की है, ते इस स्कूल नूं मैट्रिक किया जाए तो जिहड़ी इस पिंड दीआं बच्चियां ने जो बाहर सिक्ख्या जाण तो नहीं जा सकदियां किते बाहर स्कूलां दे जां कालजां दे विच, अगर इत्थे दसवीं दा स्कूल बनाया जाए तो बच्चियां नूं असीं सिक्ख्या दे सकदे हां, ते लोड़ है सरकार नूं इस वल ध्यान देण दी। इहनां दा कहना है कि वी जिहड़ा इनाम दित्ता इहनां ने सिंगला साहब ने तां जे इहनूं अपग्रेड किया जाए तां उह इलाके दे लई सब तों वड्डा जिहड़ा इनाम है, सो सरकार नूं इस वल ध्यान देने की लोड़ है ते इसनूं जल्दी अपग्रेड किया जाए तां जो पिंड दीआं बच्चियां भी इस स्कूल विच सिक्ख्या लैके अपना मोहरी रोल अदा कर सकन। पात्रा तों सतपाल गर्ग दी रिपोर्ट।